हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी के बारे में जाना। इस वीडियो में हम इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, जो कि इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी की एक महत्वपूर्ण मेंबर होती है, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स। इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स एक स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होती हैं, जिनका मुख्य कार्य हेल्थ केयर सेटिंग में इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना और कंट्रोल करना होता है। हॉस्पिटल में पेशेंट, स्टाफ और विजिटर्स के लिए एक सेफ और हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करने में इनका क्रूशियल रोल रहता है। इन्हें एडिशनल एकेडमिक एजुकेशन और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे ये इन्फेक्शन कंट्रोल के मैटर पर एक स्पेशलिस्ट एडवाइज़र की तरह एक्ट कर सकें। अब हम बात करेंगे कि इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है। पहला, कंप्लीट अ नर्सिंग कोर्स टू बिकम अ रजिस्टर्ड नर्स। इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कंप्लीट करना पड़ता है, जो आपकी बेसिक एजुकेशन होती है। दूसरा, पास द एनसीएलईएक्स आरएन एग्जाम। अपना नर्सिंग लाइसेंस लेने के लिए आपको नेशनल काउंसिल लाइसेंसर एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। गेन एक्सपीरियंस एज ए रजिस्टर्ड नर्स। ज़्यादातर आईसीएम अपना कैरियर एज ए रजिस्टर्ड नर्स के तौर पर ही स्टार्ट करती हैं। इससे उन्हें अपनी स्किल को डेवलप करने का मौका मिलता है, जहां एक ओर ये सामान्य नर्स के रूप में कार्य करके अनुभव प्राप्त करती हैं, वहीं दूसरी ओर इन्फेक्शन कंट्रोल टीम और इसे जानने वालों के साथ मिलकर काम करके आईसीएम बनने की दिशा में काम शुरू कर सकती हैं। चौथा, टेक एंड पास द सर्टिफिकेशन इन इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। सर्टिफिकेट इन इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल परीक्षा देने के योग्य होने के लिए कैंडिडेट का मेडिकल फील्ड में एम्प्लॉयमेंट होना जरूरी होता है। दूसरी रिक्वायरमेंट में कैंडिडेट का इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एक्टिविटी में एक्टिवली इन्वॉल्व होना जरूरी है। अगर आप इन्फेक्शन प्रिवेंशन में एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं, तो अपने कार्य के दौरान ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना जरूरी होता है। इसके बाद इन हाउस इन्फेक्शन कंट्रोल की ट्रेनिंग में इन्वॉल्व होना और बाकी जरूरी मापदंडों को पूरा करने के बाद आप एक रजिस्टर्ड इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स के तौर पर कार्य कर सकते हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स की जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उनमें करंट गाइडलाइन और बेस्ट प्रैक्टिस के बेस में इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसी बनाना और उन्हें अपडेट करना, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन और अदर इन्फेक्शन के लिए रेगुलर सर्विलांस कंडक्ट करना, इस पे इन्फेक्शन रेट का डेटा कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आदि शामिल हैं। इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए एजुकेशन और ट्रेनिंग देना, जिसमें हैंड हाइजीन, स्टरलाइजेशन एंड डिसइन्फेक्शन, यूज ऑफ पीपी किट, नीडल स्टिक इंजरी और अदर ट्रेनिंग शामिल हैं। हेल्थ केयर सेटिंग और पेशेंट पॉपुलेशन में इन्फेक्शन के रिस्क को असेस करना और उसे प्रेजेंट करके उसकी स्ट्रेटजी बनाना, हेल्थ केयर फैसिलिटी में इन्फेक्शियस डिसीज के आउटब्रेक को मैनेज करना, कोलैबोरेटिंग विद हेल्थ केयर टीम, इसमें इफेक्टिव इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिस के लिए रेगुलर मीटिंग और क्लास करना और हेल्थ केयर टीम के साथ इन्फेक्शन कंट्रोल कल्चर को प्रमोट करना, मॉनिटरिंग एंड इन्फेक्शन कंट्रोल ऑडिट, इसमें रेगुलर ऑडिट और मॉनिटरिंग आते हैं, जिससे यह इंश्योर किया जा सके कि इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसी प्रॉपर तरीके से फॉलो हो रही है या नहीं, एनालाइजिंग इन्फेक्शन कंट्रोल डेटा, प्रिपेयरिंग रिपोर्ट एंड प्रेजेंटिंग फाइंडिंग, इसमें एरिया ऑफ कंसर्न को फाइंड करने में और कंट्रोल पॉलिसी डेवलप करने में मदद मिलती है, नई गाइडलाइन और करंट नॉलेज के आधार पर अपने आप को अपडेट रखना, इन्फेक्शन के खतरे को कम करना, पेशेंट सेफ्टी को मेंटेन करना और सेफ और हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करने में इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स की अहम भूमिका होती है।